होप यू आर डूइंग वेल। तो आज आया हूँ मैं धर्मशाला का हिडन वंडर गाइटो तांत्रिक मोनेस्ट्री, जो कि काफ़ी लोगों को मालूम है। मुझे भी काफ़ी समय तक मालूम नहीं था कि धर्मशाला में मोनेस्ट्री है, परंतु कहाँ पर है। तो आज आया हूँ मैं, काफ़ी खूबसूरत हिंज लगाए हुए हैं और आप देख ही रहे होंगे पीछे धौलाधार रेंजेस हैं और काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हुई हैं पीले कलर की। और मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। शांति भी बनी हुई है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। और ये जो योल का रास्ता है, योल पालमपुर, उसी रास्ते में लेफ्ट टर्न है, आप देख रहे होंगे काफ़ी ऊंची इमारतें हैं, काफ़ी लोग फोटो शूट करते हैं यहाँ पर अपने इस डेस्टिनेशन को याद दिलाने के लिए। और ये लाइटें, काफी टूरिस्ट आए हुए यहाँ पर। और ये मोनेस्ट्री तंत्र मंत्र के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चाइना के बाद काफ़ी मोनेस्ट्री है जो तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध है, और ये उनमें से एक है गाइटो मोनेस्ट्री। जो ये आप ऊंची ऊंची इमारत देख रहे हैं, इनमें हॉस्टल भी है और ये साथ में इनमें स्कूल भी है जहाँ पर पढ़ाई की जाती है बच्चों की। यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं शांति के लिए, मैं भी बैठूंगा। मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, अंदर मंत्र उच्चारण चल रहे हैं। अंदर दलाई लामा की प्रतिमा बनी हुई है। कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं अब लोग आके। काफी समय बैठने के बाद यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ
कैसे लोग यहाँ पर आके फ़ोटो शूट करते हैं और धौलाधार रेंजेस के आनंद लेते हैं और यहाँ पर चाइनीज़ फूड का मज़ा लेते हैं। तो अभी मैंने भी यहाँ पर समय व्यतीत किया, काफ़ी अच्छा लगा और आपसे भी कहूँगा कि आप भी आए और अच्छा समय बिताए। और तो काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर, तो अभी मैं चलता हूँ। काफ़ी अच्छा समय रहा यहाँ पर व्यतीत करके। तो यहाँ से आने का रास्ता और पार्किंग के लिए भी जगह है। हाँ, एकदम ऊपर आना पड़ता है रास्ते से। ऐसा लगता है कि पार्किंग की सुविधा नहीं है, परंतु है। काफ़ी ऊंची पीली इमारतें बनाई हुई हैं, मनमोहक दृश्य। और ये स्तूपा टाइप बनाया हुआ है। तो चलते हैं, समय देने के लिए धन्यवाद।